बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कढ़ी भिंडी बनाई है। ये मेरी कढ़ी भिंडी है, बन के तैयार हो चुकी है। इसमें ऊपर से बघार डालिए, अच्छा सा टेस्टी बना के तैयार, लंच में खाइए। लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, कोई मेहमान आ जाए फटाफट बन के तैयार हो जाती है ये कढ़ी भिंडी। कड़ी भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने भिंडी ली है पाव भर। भिंडी को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये आधा कटोरी बेसन है, ये दही है, घर का दही, आपके पास घर का दही जमा हुआ हो तो वो ले लीजिए। मेरे पास ये बाहर का दही था, दुकान का से आया रेडीमेड दही है, तो ये दही ले लिया। चार चम्मच दही ले लेंगे। ये नमक ले लेंगे आधा चम्मच, नमक आप अपने अंदाज से ले सकते हैं। कड़ी पत्ता आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च और ये एक चम्मच सरसों है। प्याज है, एक प्याज कटा हुआ है, बारीक महीन काट लेंगे। अभी हम सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल में ये बेसन डाल लेंगे, आधी कटोरी बेसन डाल लेंगे। अब इसमें ये नमक, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ये लाल मिर्च और ये आधा चम्मच हल्दी, ये सब हम इसमें डाल देंगे। नमक अपने अंदाज से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आप बनाएं कढ़ी उस हिसाब से आप नमक को बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक लिया मैंने, आप अपने अंदाज से नमक ले लीजिए। अभी हमने आधा कटोरी बेसन लिया है तो इसमें हम चार कटोरी पानी लेंगे। पानी इसमें ज़्यादा लगेगा इस बैटर में, कढ़ी के बैटर में। अब इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अभी हम सबसे पहले, अभी बेसन को हमने साइड में रख दिया है ढक्कन लगा के, और सबसे पहले कढ़ाई में एक कढ़ाई रख देंगे, गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इसमें कढ़ाई में हम ये पूरा बैटर डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। नहीं चलाएंगे तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो इसलिए इसको, इस बैटर को चलाते रहना है। अब ये पानी डाल के जितना बैटर है सारा पानी हम इसमें कढ़ी में डाल देंगे। अब ये दही, चार बड़े चम्मच हम दही डाल देंगे। दही कोई भी हो, खट्टा मीठा, वैसे खट्टा दही होता है तो ज़्यादा अच्छा है। ये बाहर का दही, आपका घर का जमा हुआ दही हो तो वो भी चलेगा। और इसको चार चम्मच दही डाल देंगे हम और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। गैस की मीडियम आंच को मीडियम कर देंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाते हुए
चलाते रहना है। अब हम एक फ्लेम गैस फ्राई पैन रखेंगे और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे इसमें, और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल मस्टर्ड ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो, या जो भी कोई भी तेल आप जो खाते हो वो तेल 2 चम्मच डाल लेंगे। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल बेस्ट रहता है। अब इसमें सबसे पहले हम सरसों डाल देंगे 1 चम्मच। फ्राई पैन में और ये 2 मिर्च कटी हुई लंबी पीस में कटी हुई है इसको डाल देंगे। अब ये प्याज डाल देंगे, 1 प्याज बारीक कटा हुआ प्याज है ये हमारा, इसमें हम डाल देंगे बघार में और इसको अच्छे से चला देंगे। और ये कड़ी पत्ता भी लास्ट में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। अभी आप इसमें ज़ीरा डालना चाहें तो ज़रा आधा चम्मच ज़ीरा भी डाल दें, वरना वो ऑप्शनल है, नहीं है कोई बात नहीं, ज़ीरे का इतना इसमें इस कढ़ी में नहीं रहता है। अभी हम इसको चलाएंगे। बघार को चलाते हुए पकाना है। ये बघार हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये सारा बघार जितना भी है थोड़ा छोड़ देंगे और बाकी इसका बघार आधा रख लेंगे और आधा इसी फ्राई पैन में रख देंगे। इसको साइड में रख देंगे निकाल के, और ये भिंडी इस फ्राई पैन में डाल देंगे। इसको चला लेंगे अच्छे से, ये सारी भिंडी इसमें डाल लेंगे और कुरकुरी कुरकुरी इसको पकाएंगे। अब ये थोड़ा सा नमक इसमें भिंडी में डाल देंगे, आधा चम्मच से भी कम, 2-3 चुटकी नमक इसमें डाल देंगे। इसको चलाते हुए चला देंगे अच्छे से, मिक्स कर देंगे भिंडी में। भिंडी को थोड़ा कुरकुरा कुरकुरा पकाना है चलाते हुए, ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जलने का रहता है भिंडी को, तो इसको चलाते रहेंगे। अब ये साइड में हमारा ये बैटर भी, बेसन वाला जो बैटर है कढ़ी का, ये भी तैयार हो गया है, बॉईल आ गया इसमें।
अब ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, या धीमी कर देंगे गैस की फ्लेम। अब ये भिंडी के ऊपर हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के साइड में पकने के लिए रख देंगे। भिंडी हमारी पक जाएगी। अब ये 5 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस की फ्लेम, ये ढक्कन हटा देंगे और गैस की फ्लेम को धीमी कर देंगे, इसको चला लेंगे अच्छे से। ये हमारी भिंडी बनके गल गई है और कुरकुरी कुरकुरी तरह सिक गई है, अच्छे से पक गई है। अभी हम भिंडी की गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये हमारा कढ़ी का बेसन का बैटर भी तैयार हो चुका है, इसको अच्छे से चला देंगे। बॉयल भी आ चुका है और ये तैयार है हमारा। अभी एंड में एक बॉयल और ले लेंगे इसको, और इसको अच्छे से चला देंगे। देखिए बॉयल हो गया है हमारा, बिल्कुल तैयार हो चुकी है कढ़ी। अभी हम ये सारी भिंडी, पकी हुई भिंडी इसमें डाल देंगे कढ़ी के बैटर में। ये हमारी कढ़ी की भिंडी कढ़ी तैयार है। इसको अच्छे से चला देंगे। अब ये बघार हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। अब ये कढ़ी भिंडी, हमारी कढ़ी भिंडी तैयार है। और इस भिंडी कढ़ी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये फटाफट बन के तैयार हो गई है। ये जल्दी जल्दी बन जाती है, थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाती है, 5-10 मिनट में। बनाइए, खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए। अभी हमारी बन के तैयार हो गई है भिंडी कढ़ी। फुल्की वाली तो आपने कई बार बनाई होगी कढ़ी, अब ये भी बना के ट्राई करिए। हेल्दी है, टेस्टी भी है। ये हमारी भिंडी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। रोटी से खाइए, चावल से खाइए, चावल से तो बहुत ही टेस्टी लगती है।